हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन आर्च। आज के इस वीडियो में टीवी डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करूंगा, किस तरीके से अपने टीवी वाले वाल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से रेक बनाया गया है, ऊपर में ग्लास लगाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं तो पीछे में लोअर टाइप का डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बॉर्डर में जो है ना व्हाइट लाइट का यूज़ किया गया है, स्ट्रिप लाइट का, उससे अच्छा लग रहा है। और स्टोरेज जो है ना लाइन से लोअर टाइप का फेस में दिया गया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं तो एक्रेलिक सीट का यूज़ किया गया है। ये जो व्हाइट वाले देख रहे हैं ना, चारकोल सीट है, तो इस चारकोल सीट का यूज़ करके भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह का वाल को। और साइड में आप लाइट लगाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल पैनलिंग बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। बीच में आपका एक्रेलिक सीट यूज़ किया गया है और साइड में लोअर दिया गया है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी कुछ ग्लासेस फिनिशिंग में ट्रायंगल शेप में बनाया गया है, बर्फी शेप में। यहाँ पे देख रहे हैं तो वॉल मोल्डिंग का पीछे यूज़ किया गया, टीवी यूनिट के पीछे देखेंगे ना बॉक्स टाइप का, तो वो वॉल मोल्डिंग बोलते हैं, स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगल टाइप में है। लेफ्ट राइट साइड में लोअर दिए हैं और लेफ्ट साइड में आपका स्टोरेज है। तो इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। बीच में आपका इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये आपका चारकोल सीट है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, लग्जरी लुक देता है। ओके, तो इस तरह का यूज़ कर सकते हैं चारकोल सीट को पीछे में। तो यहाँ भी देख रहे हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, वॉल पैनलिंग किया गया पीछे में, और कहीं कहीं पे आपका लाइट जो है ना इन्हेंस कर रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पीछे का वॉल। ओके, तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं डिज़ाइनिंग में। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कुछ आपका गोल्डन टाइप का देख रहे हैं ना, वो आपका एक्रेलिक सीट है जो कि लगाया गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक यूनिक सा पैटर्न है। और राइट और लेफ्ट में स्टोरेज एंड आपका लूअर्स लगाया गया है। ओके, ऊपर में देख रहे हैं तो आप झूमर लगाया गया है, गोल सा झूमर है, और आपका पैनलिंग किया गया है आपका वॉल पे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपका यहाँ पे जो देख रहे हैं स्टोरेज दिया गया है ऊपर नीचे। तो इस तरह का अगर टीवी यूनिट बना रहे हैं ना तो कम से कम आपको 1 लाख रुपया खर्च है सारा कुछ ले करके अच्छे से फिनिशिंग कीजिएगा, तो एक वॉल पे लगभग 80 से 90 हज़ार रुपया लग जाता है खर्च, क्योंकि अगर अच्छा मटेरियल दीजिएगा तो। अगर अच्छा मटेरियल नहीं देते, कम बजट में अगर बनाना चाहते हो तो 50 हज़ार रुपया आपको लगेगा ही लगेगा। ओके, तो इस तरह का कुछ बजट होता है वॉल पैनलिंग, वॉल पे, वॉल डिज़ाइनिंग का टीवी यूनिट वाले पार्ट में, तो क्योंकि लाइटिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपल से स्टोरेज बनाया गया है, जो कि आपको 10 से 15 हज़ार में राइट साइड में देख रहे हैं ना, तो 10 से 15 हज़ार में इस तरह का जो है आपको मिल जाएगा मार्केट में। और स्टोरेज नीचे में जो है आपका आपका 20 से 30 हज़ार के बीच में तैयार हो जाता है। तो कुछ कम बजट करके भी आप इस तरह का बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत सा लाइट, स्ट्रिप लाइट का यूज़ किया गया स्टोरेज में, जो कि इन्हेंस कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप रखेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट को इन्हेंस करने के लिए इस तरह का स्टोरेज बना सकते हैं, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें रख सकते हैं आप अपने जो भी टीवी यूनिट वाले पार्ट में। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं सोफ़ा वगैरह भी छोटे छोटे स्टूल टाइप का रखा गया है, छोटा से छोटा। यहाँ पर देख रहे हैं आपका वॉल पैनलिंग जो देख रहे हैं ना, ये 3D वॉल पैनलिंग है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। लोअर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लोअर लगाया गया ब्राउन रंग का। ओके, लाइन से है ना, वो लोअर है वर्टिकल में स्ट्रिप जो देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पे चारकोल सीट दिख रहा है, बीच में आपको हेक्सागोन टाइप का जो है चारकोल सीट है, और लेफ्ट साइड जो है जिस पर टीवी रखा हुआ है वो आपका सनमाइका है। ओके, तो इस तरीके से डिज़ाइन आप कर सकते हैं और काफ़ी सुंदर सा लगता है। ऊपर में देखें झूमर जो है ना सर्कल में, काफ़ी प्यारा जो है इस तरह का लगता है। वॉल मोल्डिंग भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था वॉल मोल्डिंग कैसा होता है। वॉल पे आपका एक तरह से बीट होता है जिसको वॉल पे लगा करके फिक्स किया जाता है रेक्टेंगल टाइप में। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत सा प्यारा सा सिंपल सा दिया गया है। राइट साइड में एक्रेलिक सीट लगाया गया है गोल्डन कलर में बस, और नीचे में स्टोरेज दिया गया है लोअर लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से डिज़ाइन आप अपने घर को कर सकते हैं। लाइट का बहुत ही अच्छे से ध्यान दें कि लाइट जो है ना वो टीवी पे नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। तो लाइट का यूज़ ऐसा करें कि टीवी पे ना पड़े। ओके, इस बात का ध्यान दें। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टोरेज पार्ट में लाइट का यूज़ किया गया है, और ऊपर में एक दो छोटा छोटा जो है लाइट का यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा लाइट का यूज़ नहीं किया गया है, नहीं तो टीवी चमकेगा। ओके, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको ड्राइंग रूम को सजाना है। ये देख रहे हैं ये वॉल मोल्डिंग है। ओके, रेक्टेंगल टाइप का देख रहे हैं ना, बीट लगा हुआ है वॉल पे स्क्वायर टाइप में, तो ये वॉल मोल्डिंग बोलते हैं। तो इस तरह का दे सकते हैं, नीचे में स्टोरेज बना करके, नीचे देख रहे हैं लाइट लगा हुआ है, नीचे में फर्श पे लाइट पड़ रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन्हेंस कर रहा है फ्लोर को। और स्टोरेज में भी आपका यहाँ पर देख रहे हैं तो स्टोरेज में भी लाइट का यूज़ किया गया, बहुत ही प्यारे तरीके से यूज़ किया गया है। ओके, तो
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। बहुत अच्छे तरीके का आपको घर से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, घर का किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड आपको मैं वीडियो आपके सामने लाते रहूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।